आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास सिक्स का हम मैथ्स करेंगे और आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर टू आज हम करने जा रहे हैं। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड पे, बेसिक्स उसके सीखेंगे और फिर वहां से हम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंटिन्यू आगे करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, चैप्टर आपका है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि होल नंबर्स क्या होता है, उसके बाद इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो नंबर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है बच्चों, नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 जो ये काउंटिंग होती है, आगे तक चलती जाती है, इनको हम नंबर्स बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं। इतना सबको पता है। तो जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पढ़ना है होल नंबर्स के बारे में। ये तो नेचुरल नंबर हुए, अब होल नंबर क्या होते हैं ध्यान रखिए। तो देखिए बच्चों, जहां पे 0 इंक्लूड हो जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये इंफिनिटी तक जाएगा, इसको बोलेंगे होल नंबर्स। बस इतना सा फर्क है एक 0 का, मतलब अगर 0 इसमें इंक्लूड हो जाए तो इसको बोलेंगे हम होल नंबर। अगर 0 हटा देते हैं तो ये हो जाते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। क्लियर है? तो होल नंबर नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, होल नंबर क्या होते हैं, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, ये भी लिख लीजिए, प्राकृत संख्या। नंबर्स हैं तो संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर आपके सामने है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 जो 0 से स्टार्ट हो नंबर्स, उनको होल नंबर बोलते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नोट डाउन कीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने, इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते हैं बच्चों आप। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आगे करेंगे हम। देखिए, एक दो कॉन्सेप्ट्स और हमें सीखने हैं। ठीक है, अब आता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती क्या होता है ये चीज सीखेंगे हम। अगर किसी बच्चे को पता है तो हैंड रेज करके बताएं पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर। पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर। पूर्ववर्ती मतलब प्रेडेसेसर। क्या किसी बच्चे को पता है क्या होता है पूर्ववर्ती, और एक होता है परवर्ती। परवर्ती मतलब सक्सेसर। देखो, अगर पता हो आंसर बता सकते हैं बच्चों हैंड रेज करके या चैट के माध्यम से, कोई भी तरीके से आप आंसर बता सकते हैं। तो अगर पता है तो जल्दी बताइए आप। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ववर्ती के बारे में कि पूर्ववर्ती क्या होता है। तो पूर्ववर्ती और एक होता है
परव्रती, ठीक है, प्रेडेसेसर और सक्सेसर। तो पूर्ववर्ती मतलब होता है कि कोई संख्या है, मान लीजिए 4 है, ठीक है, तो इसका प्रेडेसेसर क्या होगा ये आपको बताना है ना। इसका प्रेडेसेसर क्या होगा मतलब इससे जो पहले वाला नंबर है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं कि 4 का प्रेडेसेसर क्या होगा। इसी तरह सक्सेसर मतलब आफ्टर, बाद वाला। तो देखिए, प्रेडेसेसर मतलब पूछा जा रहा है आपसे बिफोर, पहले वाला पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पहले वाला, ठीक है। और जो सक्सेसर है उसमें पूछा जा रहा है बाद वाला, आफ्टर, बाद वाला नंबर, बाद वाली संख्या। तो यहां पे जैसे 4 है, 4 का सक्सेसर पूछेंगे तो क्या आएगा, मतलब इसके बाद जो संख्या आएगी वो लिखेंगे। तो क्या कोई बता सकता है कि 4 से पहले क्या आता है और 4 के बाद क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 4 के पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखने हैं, बहुत ही इजी है। 4 के देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखने के लिए सिंपल है। 4 से पहले 3 आता है और 4 के बाद 5 आता है, तो 4 का जो परवर्ती हो गया वो 5 हो गया और पूर्ववर्ती हो गया वो 3 हो गया, सिंपल है। ऐसे ही ये तो बिल्कुल छोटा सा नंबर है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर हम बड़ा एग्जाम्पल लेंगे तो, बड़ा नंबर लेंगे तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि भाई अगर पूर्ववर्ती निकालना है तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, परवर्ती निकालनी है तो एक ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कर सकते हैं हम, कोई डाउट हो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रेडेसेसर निकालना होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक सबट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं उस संख्या में से, और जिसका सक्सेसर निकालना होता है उस संख्या में एक ऐड कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने किया यहाँ पे, जैसे प्रेडेसेसर निकालना है तो 4 में से एक घटा दिया, ये आ गया 3, 3 ही आया है, और सक्सेसर निकालना है तो 4 में हमने एक जोड़ दिया, ये आ गया 5, देखिए 5 ही आया आंसर। इस तरह से कर सकते हैं हम, नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, आपको क्या लिखना है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है, जो नंबर्स मैं दूंगा उनके पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालने हैं, ठीक है। तो इनके आपको पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखने हैं, ठीक है। एक है संख्या 208090, तो जल्दी से इनके पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखेंगे आप, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, जो आंसर आए आप चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज दीजिए। तो बच्चों इसमें अगर आपको प्रेडेसेसर निकालना है तो क्या करेंगे, एक माइनस ही करना है आपको, है ना, और प्रेडेसेसर 100199 है, एक माइनस कर देंगे तो इसका प्रेडेसेसर निकल जाएगा। अब 9 माइनस 1 होता है 8, ये सब एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ गया प्रेडेसेसर, ठीक है। इसी तरह अगर आपको सक्सेसर निकालना हो तो क्या करेंगे, सक्सेसर निकालना हो तो एक ऐड करना पड़ेगा। देखिए 9 प्लस 1 10 होता है, एक हासिल, 9 प्लस 1 10, एक हासिल, 1 प्लस 1 2, और ये 001, ये हो जाएगा सक्सेसर पार्ट 1 का। तो बच्चों कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए, ये आंसर आ गए हैं आप। इसी तरह दूसरा भाग भी आप करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो इसका है उसमें भी आप सेम चीज करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो सक्सेसर आ जाएगा, एक घटा देंगे तो प्रेडेसेसर आ जाएगा, ये आप
कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ आपके। अच्छा, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे मैं पूछूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है, क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो अगर आपको पता है बताइए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, तीन है, ठीक है। तो जो तीन है संख्या, उसका पूर्ववर्ती क्या होगा? उसका पूर्ववर्ती है दो, है ना। तो पूर्ववर्ती उसका कितना है? दो है, तीन माइनस दो होता है। और परवर्ती कितना है? चार है। मतलब तीन का पूर्ववर्ती भी है, परवर्ती भी है। ये प्रेडेसेसर हो गया, ये सक्सेसर हो गया। इसी तरह अगर हम दो की बात करें तो क्या है? दो का प्रेडेसेसर भी है और सक्सेसर भी है, है ना। तो आपको बताना है कोई ऐसी प्राकृत संख्या जिसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, कि उससे पहले कुछ भी नहीं आता। तो बताइए जल्दी से। तो बच्चों जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जैसे तीन का प्रेडेसेसर होता है दो, और तीन का सक्सेसर होता है चार। जैसे दो का प्रेडेसेसर होता है एक, दो का सक्सेसर होता है तीन। वैसे ही कोई ऐसी संख्या बतानी है जिसका सक्सेसर तो है लेकिन प्रेडेसेसर नहीं होगा। तो क्या आप बता सकते हैं? देखिए, एक क्या एक प्राकृत संख्या है? सबसे पहले तो ये देखिए, हाँ एक नेचुरल नंबर है, है ना। एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो एक के बाद क्या आता है? एक में अगर एक ऐड करेंगे तो दो आ जाता है, ये हो जाता है इसका सक्सेसर, है ना, सक्सेसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि कोई ऐसी संख्या जिसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, तो वो है एक, क्योंकि एक का प्रेडेसेसर नहीं होता। एक का प्रेडेसेसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना। ये एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसीलिए एक ऐसी संख्या है जिसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें, इसको नोट डाउन कर लें आप। चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? एक क्वेश्चन और लिखिए आप। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन हैं जो कि आप होमवर्क में करके लाएंगे, आपके लिए होमवर्क है। आपको अब पता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो बस ये पूछा गया है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, और क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि भाई जितने भी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो बिल्कुल बेसिक है आपके लिए, है ना।
पहले भी आपने पढ़ा होगा, नंबर्स आपको पता है, प्रेडेसेसर सक्सेसर क्या होता है वो हमने यहाँ पे सीख लिया है बच्चों, है ना। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनके बारे में हमने जाना है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, एग्जांपल्स हमने किए हैं। तो उम्मीद है आपने ये सारी चीजें नोट डाउन की हैं। बच्चों होमवर्क जरूर करें अपना, और जो आज हमने किया है क्लास में उसका रिवाइज जरूर करें, क्योंकि इसी के आधार पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं अब, तो रिविजन जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।